सभी सुने एक बार। सबसे पहले मैं आर आर जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने नोटिफिकेशन कमांड निकाला, क्योंकि सर ये अलग अलग निकालते हैं। जैसे प्लस टू वालों का, ग्रेजुएशन वालों का एस एस सी अलग निकालती है, उसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन वाला बच्चा प्लस टू वाले की रैंकिंग की खादत है, क्योंकि वहाँ पर डबल कॉपी हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जब फाइनल लिस्ट आएगी ना तो एक बच्चे को एक ही जगह जॉब मिलेगी। और अब बच्चे कह रहे हैं सर यूनिक नंबर अलग से होनी चाहिए। एस एस सी का सर रिजल्ट अभी आया कुछ दिन पहले, उसमें चार लिस्ट निकलती हैं प्रीलिम्स की। जो टॉप लिस्ट में आता है वो सेकंड लिस्ट में भी होता है, थर्ड में भी होता है। जो सेकंड लिस्ट में होता है वो थर्ड में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। ऐसे सर यूपीएससी में होता है। यूनिक यानी प्रीलिम्स के आधार पर सर यूनिक निकालना बहुत ही मुश्किल होता है ना। और सर इसका सबसे बड़ा खास ये कोचिंग माफिया है ना, इन्हें बच्चों को गलत इंटरप्रेट किया है कि आप ऐसे करो कि उनके बच्चे पास नहीं हो पाए। अब 7 लाख बच्चे पास होंगे तो कटो और नीचे जाएगी, तो उनके बच्चे पास हो जाएंगे जबकि उनको जॉब मिलनी नहीं है फाइनल, क्योंकि 35,000 बच्चों को जॉब लगनी है। और आरआरबी ने सर ये कमाई नोटिस निकाला, नहीं बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि एसएससी वैसएससी बहुत सारे अलग अलग निकालते हैं, वो बच्चे कॉपी होते हैं वो वहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 35,000 बच्चे बिल्कुल प्योर लगेंगे। और वैकेंसी जैसे और सर मेरी ये है कि एग्ज़ाम जल्दी से हो, मार्च के अंदर आप सीबीटी का एग्ज़ाम ले लो। और सर आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और लेकिन सर इसका कैलेंडर भी सीख निकलना चाहिए, आरआरबी का कैलेंडर ना, जॉइन का कैलेंडर होना चाहिए। और जो जिनके 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर आते हैं, उन बच्चों को इनोसेंट स्टूडेंट है, वो उनको फंसाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है सर, उनको फंसाया जा रहा है। उनके सर वो कच्चे हैं दिमाग के, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्हें बोल देंगे कि आप ऐसा करो ये करो ये, सर बिल्कुल नोटिफिकेशन में बिल्कुल 3 साल पहले आ गया था और मुझे पहले से मालूम था कि ऐसा होना है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बताया था कि, और बहुत सारे बच्चों को भी मैं टीचर्स ने बताया था कि ऐसे होना है, लेकिन उनको पता था कि ऐसा आना है और उनके बच्चे पास नहीं हुए, उनका सिलेबस खरीद लिया CBT2 का, तो वो मांग करने लगे और वो बच्चे फेल हो गए। तो फिर भी सर 4.25 लाख बच्चे पास हुए हैं। और सर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर प्लस टू का नोटिफिकेशन अच्छे निकलता, एक टीचर ऐसे उन्होंने बोला कि गधों की यानी शेरों की दौड़ में गाय दौड़ रही है प्लस टू वाले बच्चों को, सर अगर आरआरबी अलग से नोटिफिकेशन निकलता बाई चांस तो कितने बच्चे पास होते? 10,000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग 2 लाख बच्चे पास होते, फिर तो बच्चे और ही बाहर होते हो। और ऐसा कि है नहीं कि सर आप प्लस टू वाले बच्चों में ग्रेजुएशन बच्चे बैठ नहीं सकते, वो तो बैठेंगे सर, जिसने ग्रेजुएशन किया वो प्लस टू जाहिर किया ही है, तो सब वो बच्चे बैठते हैं वहाँ पे 2 लाख बच्चे पास होते हैं। अब तो 4.25 लाख बच्चे पास हो रहे हैं ना, उनको नंबर तो वैसे भी नहीं आता, तो कट ऑफ और आई होती अगर अलग अलग नोटिफिकेशन होता तो। चलिए थैंक यू वेरी मच। और सर आप बदलना नहीं, प्रोटेस्ट होने से इनसे कुछ नहीं होता सर, आरआरबी ने जो किया है बिल्कुल सही किया है सर। अगर इस आरआरबी अगर इसे नोटिफिकेशन अगर अभी से आती है तो लीगल एक्शन भी होते हैं, तो सर हमारे भी तो देखो ना सर कि ऐसा नहीं जो फेलियर हो, क्योंकि तब देख रहे हो हमने सर 3 साल से मेहनत की है, हम भी सर आरआरबी में जॉब करने के इच्छुक हैं, और मैंने सर दूसरा फॉर्म भरा भी नहीं, कि मुझे सपना था कि मैं कम से कम स्टेशन मास्टर बनूं, मेरा सपना था। और सर अभी बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई उड़दंग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है सर, मेरे अकॉर्डिंग से गलत है। वो फिर फ्यूचर में क्या जॉब लगेंगे, रेलवे की संपत्ति वो जला रहे हैं, अपनी संपत्ति वो जला रहे हैं सर, वो क्या करेंगे सर रेलवे में जाके। और सर हाँ बस ये समझ लीजिए, सर मेरा नाम देवीलाल देसवाल है सर, और सर मैं समझ रहा हूँ रिकॉर्ड जो आरआरबी ने निकाला ना सब पूरा समझ रहा था, मुझे मालूम भी था, अपनी लाइब्रेरी में मैंने 3 दिन पहले कह दिया था कि रिजल्ट ऐसे आएगा। और तुम एक लड़का 50 नंबर वाला था कि भैया मैं तो फेल हो गया, मुझे पता था पहले फेल होने वाला था, सर मुझे पता था पहले से। सर मेरा नाम विजय कुमार है सर।